हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 26.1 केसी सिन्हा का स्टार्ट किए हुए थे, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस किए हुए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 और उसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट पी आर, पी का जो कोऑर्डिनेट दिया गया है वह है 1, 2 और 3। बोलता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 7 पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट निकालना है सच दैट एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ देयर कोऑर्डिनेट आर सेम। एब्सोल्यूट वैल्यू जो होगा वो सेम होगा एज दोज ऑफ द कोऑर्डिनेट पी। एब्सोल्यूट वैल्यू कहने का मतलब है यदि हम लोग मॉडुलस ले लें तो सभी केस में उसका वैल्यू क्या होगा, सेम। एब्सोल्यूट सिर्फ जो उसका साइन चेंज करेगा लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, सेम। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करना बहुत ही इजी है। तो यहाँ पे पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वो है 1, 2, 3। ये क्वेश्चन इसलिए आसान बोल रहे हैं कि अभी हम लोगों ने साइन कन्वेंशन देखा हुआ था ऑक्टेंट में, तो पहला जो ऑक्टेंट, क्योंकि ये बहुत हर चीज़ में काम देगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट, यहाँ क्या होता है जी, प्लस प्लस प्लस। सेकेंड में क्या हो जाएगा, बोले थे कि इसको जो है समझना बहुत आसान, सेकेंड ऑक्टेंट को समझने के लिए क्या बताए थे, इस तरह से कर लें तो हो जाएगा, पहला में प्लस प्लस, सेकंड में यहाँ आ जाइएगा तो एक्स एक्स क्या है, माइनस एक्स है माइनस वाई प्लस जेड प्लस, तो क्या हो जाएगा यहाँ जी, माइनस प्लस प्लस। थर्ड में आ जाइएगा तो हो जाएगा एक्स माइनस एक्स है माइनस वाई है माइनस और जेड है प्लस, यहाँ पे है माइनस माइनस प्लस। फोर्थ में आ जाएगा प्लस माइनस प्लस, ये हो जाएगा प्लस माइनस प्लस। फिफ्थ में आ जाइएगा, ये हो जाएगा प्लस प्लस माइनस। फिफ्थ में देखिए एक्स प्लस वाई भी प्लस जेड माइनस, यहाँ पे आइएगा सिक्स में तो क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस। सेवन में हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, एंड एट में होगा एक्स प्लस फिर वाई माइनस प्लस हो जाएगा माइनस माइनस। ये हम लोग साइन कन्वेंशन हम लोग देखे हुए थे। अब इस साइन कन्वेंशन के हेल्प से ही ये हम लोग जितने भी पॉइंट्स आपको जो निकालना है ये हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसमें बोला हुआ था कि एब्सोल्यूट जो वैल्यू होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम। और 7.7 पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना है तो क्या क्या हो जाएगा जी, मतलब पहला क्वाड्रेंट ऑक्टेंट वाला दिया हुआ है, फिर हो जाएगा माइनस वन, फिर होगा प्लस, फिर हो जाएगा थ्री, फिर यहाँ पे एक्स और वाई माइनस माइनस, तो हो जाएगा माइनस वन माइनस टू थ्री, फिर इसमें के अनुसार हो जाएगा वन, फिर हो जाएगा सेकंड नेगेटिव, फिर हो जाएगा प्लस में, फिर क्या हो जाएगा जी, कितना 1, 2, 3, 4, फिफ्थ में आ जाइए प्लस प्लस, हो जाएगा 1, 2, -3, फिर हो जाएगा माइनस वन माइनस वन टू, फिर हो जाएगा या माइनस थ्री, फिर तीनों माइनस, फिर क्या होगा लास्ट में जी, हो जाएगा 1, -2, -3। ये उसका हो जाएगा 7 पॉइंट्स। वही बोला था फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द 7 पॉइंट्स सच दैट द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ देयर कोऑर्डिनेट्स आर सेम एज दोज ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ पी। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब काउंटिंग ए वन ही है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, वन है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, टू ही है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, सिर्फ साइन चेंज कर रहा है 7 पॉइंट्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ 1, -2 और 7, फिर वही बोलता है राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ द 7 पॉइंट्स हुज एब्सोल्यूट वैल्यूज आर सेम।
एज दोज ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द गिवन पॉइंट। एब्सोल्यूट वैल्यू फिर से सेम बोलता है, तो अगर सेम फिर से वही काम, तो क्या क्या हो जाएगा जी, 1, 2, 7 इसके अनुसार से लिखेंगे तो हो जाएगा -1, 2, 7 इसके अनुसार से लिखेंगे तो -1, -2 ये हो जाएगा 7। तो आसानी से हम लोग जैसे बोलेगा, हम लोग आसानी से जैसे इस तरह भी कितना लिखे, ये लिखे 3, उसी तरह और इसी की हेल्प से क्या निकाल सकते हैं, 7 जो पॉइंट्स है उसका कोऑर्डिनेट हम लोग लिख सकते हैं। चलिए इसको नोट कर लें। देख क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट इन स्पेसिफाइड प्लेन। पहला बोला है 0, 0, -4, दूसरा बोला है -3, 4, 7, लेकिन बोला है ये इन एक्स वाई प्लेन, ये बोल दिया है इन द वाई जेड प्लेन। थर्ड बोला 5, 4, -3, ये बोल दिया इन द एक्स वाई प्लेन। ये हम लोग को इमेज निकालना है, क्या निकालना है, क्वेश्चन नंबर कितना था 9, हमें इमेज निकालना है। अब देखिए इमेज निकालने के लिए ये क्वेश्चन हमें फिर से ये ड्रॉ करें, ये हो जाएगा एक्स वाई एंड जेड, क्योंकि हम लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, इसको समझ में आना चाहिए ये चीज़। क्या बोलता है जी, 0, 0, -4, मतलब 0, 0, -4 ये जो पॉइंट है कौन सा एक्सिस का पॉइंट है जी, जेड एक्सिस का पॉइंट है, जेड एक्सिस का पॉइंट है इन द नेगेटिव डायरेक्शन, इधर इस डायरेक्शन में यहाँ पे, क्योंकि ये जो हुआ जेड इस जगह इधर, यदि यहाँ पे इस यहाँ पे जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा इस जगह पे होगा 0, 0, -z, और एक्स वाई प्लेन यहाँ पे एक पेपर डाल दें, यहाँ पे जस्ट यहाँ पे पेपर डाल दें, तो इसका इमेज यदि यहाँ पे पेपर डालेंगे तो पॉइंट एक यहाँ पे है, तो जितना डिस्टेंस यहाँ पे ओरिजिन यहाँ पे है, तो जितना डिस्टेंस यहाँ तक है इसका इमेज भी जस्ट उतना ही डिस्टेंस आगे बनेगा, मतलब यहाँ पे इसको ये ओरिजिन है तो यहाँ पे पॉइंट है इसका इमेज इधर बनेगा, और जितना दूरी यहाँ पे है उतना ही दूरी इधर बनेगा, तो ओरिजिन से यहाँ तक है 4 यूनिट, अरे क्या नेगेटिव डायरेक्शन और जेड एक्सिस है इससे लिखा -4, तो ये आ जाएगा कितना जी पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो इसका इमेज जो हो जाएगा, इसका इमेज क्या हो जाएगा जी 0, 0, 4, 0, 0, 4। अब देखिए बोलता है -3, 4, 7, -3, 4, 7, अब ध्यान दें माइनस एक्स क्या है माइनस में, अब ध्यान दें एक्स माइनस में है, वाई प्लस जेड प्लस, एक्स माइनस वाई, एक्स वाई माइनस में, वाई ए प्लस में, जेड प्लस में, मतलब कुछ मेरा इमेज जो पॉइंट होगा ये कौन से ऑक्टेंट का पॉइंट है, सेकेंड ऑक्टेंट का पॉइंट है, सेकेंड ऑक्टेंट ये पॉइंट कहीं ना कहीं इधर होगा। अब इसका इमेज बोलता है वाई जेड प्लेन, वाई जेड, वाई जेड किधर है, ये हो जाएगा वाई, ये हो जाएगा जेड, मतलब सीट हम लोग प्लेन यहाँ पे कैसे डालेंगे जी, पेपर सीट यहाँ पे डालेंगे, यदि एक पेपर सीट हम लोग ले लें तो उसको हम लोग ऐसे समझने की कोशिश करते हैं, ये क्या है वाई जेड, तो ये जो लाइन बोले ये नीचे जो आ गया वाई है ये जेड है, मतलब एक हम लोग ऐसे डाल दें, ऐसे कैसे बोल सकते हैं, इसको ऐसे रख दें, इसको ऐसे इस तरह से घुसा ऐसे, यदि आपको दिख रहा है क्योंकि थोड़ा सा इसको पकड़ना सभी चीज़ को पकड़ना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए आप खुद से कर सकते हैं, इतना है। अब मेरा पॉइंट कहाँ जी सेकेंड ऑक्टेंट में है, सेकेंड ऑक्टेंट, और सेकेंड ऑक्टेंट कहाँ है मेरा पे, मेरा सेकेंड ऑक्टेंट कहाँ है जी, यहाँ है, और इसका ए पॉइंट यहाँ पे, इसका इमेज जस्ट किधर बनेगा जी, इधर बनेगा, इसका इमेज किधर बनेगा, इधर बनेगा, क्योंकि ए पॉइंट यहाँ पे है, तो इसका इमेज किधर बनेगा, इसका जितना दूरी इधर से यहाँ पे एक सीट डाल दें, मिरर डाल दें यहाँ पे, तो इसका इमेज इसका ऑपोजिट इधर बनेगा, इसका इमेज बनेगा इधर, तो ये कौन सा ऑक्टेंट हो जाएगा जी, फर्स्ट ऑक्टेंट, और फर्स्ट ऑक्टेंट में तीनों क्या होता है पॉजिटिव, तो बोल सकते हैं कि इसका जो इमेज का जो कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा 3, 4 और क्या हो जाएगा 7, इमेज का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा जी 3, 4, 7। तीसरा जो क्वेश्चन बोला है 5, 4, -3, 5, 4 होता प्लस प्लस माइनस, प्लस मतलब एक्स प्लस प्लस माइनस कहाँ है फिफ्थ में, यहाँ पे
एक पॉइंट यहाँ पे इधर फिफ्थ ऑक्टेंट में है और बोलता है एक्स वाई प्लेन। अब एक्स वाई प्लेन कौन सा होगा जी? होगा जी तो एक्स वाई प्लेन ए वाला होगा, क्योंकि ए वाला जो लाइन है एक्स और ये है वाई, यहाँ पे ऐसे डाल देंगे तो हो जाएगा एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन तो इसका इमेज, तो यहाँ पे जो पॉइंट है तो इसका इमेज किधर बनेगा जी? जस्ट इधर बनेगा, इसका इमेज इधर बनेगा। तो इसका जो पॉइंट है तो यहाँ पे इसका जो कोऑर्डिनेट है इधर, एक पॉइंट यहाँ है एक्स वाई प्लेन, इमेज इधर बनेगा। कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इसका इमेज का जो कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा जी? 5 4 3, क्योंकि फर्स्ट ऑक्टेंट में तीनों क्या हो जाते हैं? पॉजिटिव। तो अगर 5 4 हो जाएगा 3। फिर क्वेश्चन बोला है चौथा में, ये बोलता है -7 2 -1 इन द जेड एक्स प्लेन। पांचवा बोलता है -4 0 1 इन द जेड एक्स प्लेन, -2 0 0 इन द, यहां बोल दिया क्या चीज़ जी? एक्स वाई प्लेन। अब इसको समझिए, अब और क्या बोल दिया है कि -7 -+-, माइनस छठा ऑक्टेंट, तो यहाँ पे कोई पॉइंट है इधर, इधर कोई पॉइंट है, ये जो निब है वही पॉइंट है इधर, जो पॉइंट कोई पॉइंट है सिक्स ऑक्टेंट में। और इसका इमेज बोलता है किसमें जी? एक्स जेड प्लेन। तो एक्स वाला कौन सा है? ए है एक्स, और जेड ए वाला है। एक्स जेड यहाँ पे को है और इसका एक्स जेड प्लेन बोला है, एक्स जेड। तो एक्स जेड प्लेन तो इसका इमेज एक्स, मतलब जेड एक्स बोला है, ये हो जाएगा जेड, ये हो जाएगा एक्स। तो जेड एक्स प्लेन पे जो इमेज बनेगा यहाँ जो, वो कितना है जी? चौथा नंबर ना, फिर से देख लें, फोर्थ में है -7 2 -1। तो क्वेश्चन बोला है 7 -7 2 -1, तो ये होगा कौन सा ऑक्टेंट में जी? सिक्स ऑक्टेंट में, क्योंकि है -++ यहाँ पे कोई पॉइंट है। अब बोलता है इसका इमेज कहाँ बनना चाहिए? बोलता है जेड एक्स प्लेन। तो जेड कहाँ है जी? ए वाला जेड है, ए वाला एक्स है। तो आपका जो मिरर लीजिएगा तो जेड एक्स प्लेन ए वाला होगा, ये आपका मिरर बनेगा यहाँ पे। यहाँ इसको पकड़ने की कोशिश यदि हम करें तो हो पाता है, ठीक है, ए बनेगा यहाँ पे, एक पॉइंट होगा। तो इसका इमेज यदि मिरर समझे इसको, तो इसका जो इमेज बनेगा किधर जी? नीचे की ओर बनेगा। और नीचे कौन सा ऑक्टेंट है? सेवेंथ ऑक्टेंट। और सेवेंथ ऑक्टेंट में तीनों क्या होता है? नेगेटिव। तो इसका जो इमेज होगा ये कितना हो जाएगा जी? -7 -2 -1। अब बोलता है -4 0 1 -4 0 1। अब -4 0 1 कौन सा ऑक्टेंट? ये तो बोलेंगे कौन सा प्लेन का पॉइंट है वह? ये एक्स जेड प्लेन का है, एक्स जेड प्लेन का है, एक्स जेड। और एक्स का है माइनस में, ये हो जाएगा एक्स माइनस में, और जेड इधर है, मतलब एक्स जेड, ये हो जाएगा एक्स है माइनस में, ये हो जेड। तो एक्स जेड प्लेन यदि ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन ऐसा रखा जाए, तो ये जो प्लेन है एक्स जेड प्लेन पे लाइज कर रहा है, तो इसका इमेज और जेड एक्स प्लेन पे, जेड एक्स, तो हो जाएगा इसका इमेज कहाँ चाहिए जी? जेड एक्स प्लेन। तो ये जो पॉइंट कौन सा पॉइंट है? जेड एक्स प्लेन का है। इसका इमेज यदि बनाओगे तो ये कहाँ बन जाएगा? तो पॉइंट यहाँ पे प्लेन लीजिएगा इस जगह पे, मतलब प्लेन मेरा ये एक्स जेड प्लेन है, और इसी प्लेन पे कोई पॉइंट है, मान के इसी पॉइंट पे कोई प्लेन है, इसी प्लेन पे कोई पॉइंट है ये वाला। अब इसका इमेज चाहिए, और यदि मान के मिरर, यदि मिरर है और मिरर पे यदि कोई आप अपना उंगली डालिएगा या निब डालिएगा, बोलेगा इसका इमेज, तो क्या उसी पे इंटरसेक्ट कर, उसी पे आ जाएगा क्या? उसके पीछे बनेगा जितना ये मिरर है, मिरर के जितना पीछे जाइएगा उसका इमेज और दूर होते जाएगा, मिरर के जितने करीब जाइएगा तो वो भी आपके करीब आएगा। तो यदि एक पॉइंट जो है वो मिरर में ही है, ये मिरर, ये कौन मिरर? मिरर क्या है जी? जेड एक्स। अब देखिए यहाँ पे जो प्लेन जो है ये कौन सा प्लेन है, कौन प्लेन में लाइज कर रहा है पॉइंट? वो भी जो है जेड एक्स प्लेन में है, मतलब पॉइंट जो है वो मिरर पर ही है। तो इसका इमेज बनेगा क्या? कि उसी मिरर में ही उसका इमेज, दोनों कॉन्साइड कर जाएंगे, तो इसका जो इमेज का जो कोऑर्डिनेट चेंज नहीं करेगा, जैसा था वैसा ही रहेगा। क्या बोलें कि पॉइंट जेड एक्स प्लेन में है
और इसका इमेज पॉइंट, और ये अपने आप में एक मिरर है, तो यहाँ पे मिरर में ही एक पॉइंट लेंगे तो इसका इमेज तो वहीं पे बनेगा उसके। यदि ये ऊपर में बनता तब इसका इमेज इधर बनता, यहाँ इतना दूरी में बनता तब इसका इमेज इतना दूरी में बनता, लेकिन जो पॉइंट है इसी प्लेन पे ही है तो इमेज भी तो उसका कॉन्साइड कर जाएगा दूसरे को। अब कॉन्साइड कर जाएगा तो पॉइंट तो चेंज किया नहीं, तो इमेज और पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएगा सेम। अब यहाँ बोलता है कि -2, 0, 0, अब एक्स वाई प्लेन की बात करता है क्या जी, -2, 0, 0, और बोलता है एक्स वाई प्लेन। अब ध्यान दे यहाँ पे क्या है जी, -2, 0, 0, ये पॉइंट कौन से प्लेन में है, कौन से एक्सिस में जी, एक्स एक्सिस में, ध्यान दें क्योंकि ये एक्स एक्सिस में है, एक्स एक्सिस में है मतलब आपका जो पॉइंट कुछ यहाँ पे होगा, ये एक्स एक्सिस है और नेगेटिव डायरेक्शन मतलब पॉइंट वर्क पॉइंट जो है कहीं ना कहीं इधर होगा, जितना दूरी पर ये होगा मान के चलो। और इसका इमेज एक्स वाई प्लेन, तो ये है एक्स, ये है वाई, इधर बनाएंगे इस तरह से, तो इसका इमेज बनेगा तो किधर हो जाएगा जी, इसका यदि एक इमेज, एक प्लेन मिरर, एक मिरर हम लोग कैसे डाल दें, इसको ऐसे डाल दिया जाए, ऐसे डाल दिया जाए क्योंकि एक्स एक्स वाई है ना, एक्स वाई तो यही होगा, एक्स वाई प्लेन क्योंकि एक्स है और वाई है, तो ये हो जाएगा एक्स और ये हो जाएगा वाई, एक्स वाई प्लेन पे जो, हाँ एक्स वाई प्लेन तो ऐसे ही रह जाएगा, मतलब इसका भी इमेज जो होगा क्या क्या, एक्स वाई प्लेन पे ये जो है एक्स एक्सिस पे है, लेकिन यहाँ हम लोग इमेज किस पर निकालना है जी, एक्स वाई प्लेन पे निकालना है। तो यहाँ जो मेरा मिरर, आखिर मिरर कैसे सेट होगा, तो आपका मिरर कुछ इस तरह से सेट होगा क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्सिस आना चाहिए और वाई एक्सिस, जेड यहाँ पे इंक्लूड नहीं होना चाहिए, एक्स और वाई होना चाहिए, तो देखिए एक्स यहाँ पे, वाई यहाँ पे, देखो ऐसे यहाँ पे होगा क्योंकि इसमें देखिए वाई जेड जो है इंक्लूड नहीं हो रहा है। अब कोई पॉइंट, ध्यान दे कोई पॉइंट यहाँ पे है, अब ये क्या है, ये भी पॉइंट इसी मिरर, यार एक पॉइंट ये मिरर है और पॉइंट वाई यहीं पे है मिरर पर ही है, तो उसका इमेज क्या बनेगा, सेम कॉन्साइड कर जाएगा, तो इसका भी जो इमेज होगा ये क्या हो जाएगा जी, -2, 0, 0 होगा। मतलब कोई एक पॉइंट हमें दिया हो तो उसका इमेज हम लोग अलग अलग डायरेक्शन में निकाल सकते हैं, कहने का मतलब यदि 1, 2, 3 पॉइंट है, यदि ये 1, 2, 3 यहाँ है, ए पॉइंट है, और यहाँ यदि एक सीट हम लोग यहाँ पे रख दें मिरर को, आप यहाँ पे रख दें, तो ये मिरर कौन सा है जी, एक्स वाई मिरर, एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है, तो इसका इमेज मेरा इस साइड बनेगा। यदि इसी पॉइंट को आप इधर शिफ्ट कर दें और एक्स वाई प्लेन लें तो इसका इमेज इधर बनेगा। यदि पॉइंट यहाँ पे रखें और प्लेन आपका वाई जेड है, वाई और जेड, तो आपका मिरर ऐसे जाएगा, तो आपका जो इसका जो इमेज बनेगा इस साइड के बदले इस साइड बनेगा। तो डिपेंड करता है कि ये मिरर, ये जो है, ये जो प्लेन कैसा है, प्लेन मतलब मिरर आप कैसे कौन से प्लेन में ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ये इमेज का कोऑर्डिनेट चेंज कर जाएगा। यदि आप यही पॉइंट है क्या है जी, माइनस प्लस, ये सेकेंड ऑक्टेंट का पॉइंट था, सेकेंड ऑक्टेंट का पॉइंट है, इसकी बात कर रहे हैं, ये पॉइंट यहाँ पे है और वाई जेड प्लेन बोला है, वाई जेड, तो वाई जेड प्लेन क्या था, वाई जेड प्लेन ए वाला था, यदि वाई जेड प्लेन आप ए डाल दोगे तो ये है वाई जेड प्लेन ए वाला, तो इसका इमेज बना इस साइड बना था, इसका इमेज इस साइड बना था फर्स्ट ऑक्टेंट में, इसलिए तीनों पॉजिटिव हुआ। यदि सोचिए यदि इसका प्लेन आप ले लेते कौन सा जी, जेड एक्स और जेड ले लेते, एक्स और जेड, तो आपका मिरर ए वाला होता, अब पॉइंटवा था यहाँ पे, तो इसका इमेज कहाँ बनता, ए जो है थर्ड ऑक्टेंट में बनता, तो उस केस में इसका इमेज का कोऑर्डिनेट चेंज कर जाता। यदि वही चीज़ ये था, यदि आप इमेज यदि इसमें लेते, यदि इसका मिरर आप लेते मतलब प्लेन लेते वाई एक्स वाई लेते, तो आपका मिरर ऐसे बैठता, तो इसका इस पॉइंट का इमेज पीछे बनता मतलब ये सिक्स्थ ऑक्टेंट में होता, तब उसका इमेज अलग होता। मतलब ये जो प्लेन पर डिपेंड करता है कि आप वो प्लेन कैसा प्लेन ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका क्या होगा, इमेज का कोऑर्डिनेट चेंज करेगा। तो इमेज का जो कहानी है वो मेनली डिपेंड करता है किस पर जी, कैसा आप प्लेन ले रहे हैं, कैसा प्लेन ले रहे हैं, मतलब आप जो है इमेज मतलब जो मिरर है वो मिरर आप कैसा ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका इमेज का कोऑर्डिनेट चेंज होगा। इसको नोट करें।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ एक नए कॉन्सेप्ट पे है, वो भी क्वेश्चन आसान है, लेकिन उसके लिए एक एग्जांपल हम समझते हैं ज़्यादा बेटर होगा। एक क्वेश्चन ऐसा है, यदि मान के चले एक कोई पॉइंट है, बोलता है ए बी सी, हालांकि वही क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना जी, 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोला है कि ए बी सी बी द फीट ऑफ परपेंडिकुलर, ए बी सी तीन पॉइंट्स है, वो क्या है, फीट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट पी टू एक्स वाई जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। एक पॉइंट है, यदि एक्स वाई जेड एक्सिस बना दें, एक पॉइंट है ए है एक्स, इसको मान ले वाई और इसको मान ले जेड, एक पॉइंट है पी और इसका कोऑर्डिनेट मान के कुछ भी दिया गया है, अल्फा बीटा गामा कुछ भी दिया गया है, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ये जो है एक्स एक्सिस पे ए है, वाई एक्सिस पे बी है, और इसका जो जेड एक्सिस पे लीजिएगा वो क्या है जी, सी है। फिर बोलता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी सी ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ पी आर, ऐसा दिया गया है। तो पहला के अनुसार, पहला में बोला है पी का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है जी, 4 - 3 - 7। तो हमें ए पर पॉइंट निकालना है, तो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस मतलब ए का कोऑर्डिनेट निकालना है। ध्यान दें इसका जो कोऑर्डिनेट अभी हम लोग को आ गया कितना जी, 4 - 3 - 7। अब एक्स एक्सिस पे लेंगे तो एक्स एक्सिस पे जानते हैं कि वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है जी, 0। एक्स एक्सिस पे क्या होता है वाई, और जेड कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। तो इसका ए का जो कोऑर्डिनेट होगा 4 - 0 - 0। ए का जो कोऑर्डिनेट मेरा हो जाएगा कितना हो जाएगा जी, 4 - 0 - 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई और जेड 0। यदि बी का कोऑर्डिनेट लोगे मतलब पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, मतलब कौन सा पॉइंट जी, बी का कोऑर्डिनेट, बी का कोऑर्डिनेट यहाँ पे वाई एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे एक्स और जेड क्या होगा, 0। तो 0 - 3 - 0, बी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 - 3 - 0। सी लोगे, सी के लिए मतलब कौन सा होगा जेड एक्सिस पे, तो होगा एक्स और वाई 0, तो होगा एक्स वाई 0 और जेड का जो होगा सेम का सेम, इतना होगा इसका वैल्यू। यदि उसी का सेम क्वेश्चन यदि सेकेंड के लिए ले लें, ये बोलता है पी का कोऑर्डिनेट है 3 - 4 - 2, मतलब पी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3 - 4 - 2, तो ए का कोऑर्डिनेट बोला है मतलब ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस हो जाएगा 3 - 0 - 0, बी का बोल देगा वाई एक्सिस पे तो 0 - 4 - 0, बोल देगा जेड एक्सिस सी पे मतलब जेड एक्सिस पे तो जाएगा 0 - 0 - 2 - 0 - 0 - 2। यदि उसी प्रकार फिर क्वेश्चन बोला इसी में थर्ड नंबर, यहाँ पे P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3 - 5 - 1, तो यहाँ पे A का कोऑर्डिनेट बोला जाएगा, A का क्या होगा ऑन X एक्सिस, तो जाएगा 3 - 0 - 0, B मतलब Y एक्सिस तो X और Z 0, C मतलब ऑन Z एक्सिस तो Y और Z 0, तो जाएगा 0 - X और Z 0 - 0 - 1। फिर उसी प्रकार चौथा में इसी में बोला है P का कोऑर्डिनेट मेरा यहाँ पे दिया गया है कितना जी, ये है 4 - 2 - 6, तो ए का कोऑर्डिनेट मतलब एक्स एक्सिस पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर लोग इसका कोऑर्डिनेट लेंगे तो एक्स एक्सिस पे क्या होगा वाई और जेड कोऑर्डिनेट 0, तो 4 - 0 - 0, बी मतलब जेड एक्सिस से लेगा तो 0 - 2 - 0, जेड वाई एक्सिस पे ये होगा, जेड एक्सिस पे क्या होगा 0 - 0 - 6। तो इस तरह से ये क्या निकाल लिए जी, फिट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, ये सारे पॉइंट्स हम लोगों ने क्या किया, निकाल लिया। तो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर कहाँ तक देखा जी, क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। अब जो बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं उसका डिस्कस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन आज हम लोगों ने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या क्या देखा कि इमेज, कोई पॉइंट का इमेज निकाल सकते हैं, तो पॉइंट का इमेज हमेशा सेम इमेज का कोऑर्डिनेट सेम नहीं होगा, वो डिपेंड करेगा कि वो प्लेन आप जो ले रहे हो मतलब जो मिरर ले रहे हो वो कैसा है, क्योंकि वो मिरर पर डिपेंड करेगा उसके इमेज। और फिर यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हम लोग देखे हुए थे, चलिए
इसको आप नोट कर लें। अब जो बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं उसका डिस्कस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।